सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जंकू के बारे में पता चले, पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो रहता कहाँ है। मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन जितनी मिलती है उससे ये पता चलता है कि वो किसी से बदला लेना चाहता है। मिस्टर आरएम, आप इतने दिनों में ये पता नहीं कर पाए कि वो रहता कहाँ है, तो आप उसे कैसे पकड़ेंगे? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और वो जल्दी मेरे हाथों में आ जाएगा। काश कोई होता जो हमें बता पाता कि वो कहाँ रहता है। हमें किसी पे डिपेंड होके कोई काम नहीं करना चाहिए कि दूसरा कोई आए और हमें ये बताए कि वो कहाँ रहता है। हमें खुद से ही मेहनत करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है मिस्टर आरएम, पर अगर कोई ऐसा होता जो हमें उसके बारे में बता सकता तो हमारे लिए इजी हो जाता उसे पकड़ना। अगर कोई होता जो हमें उसके बारे में बता सकता तो हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिलती। मैं बता सकता हूँ आप लोगों को जियांग जंकू के बारे में। आपको जंकू के बारे में जानना है? आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मीटिंग हॉल में घुसने किसने दिया? शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे काम के लिए आया हूँ। क्या? हम लोग ये कैसे मान लें कि तुम जियांग जंकू को जानते हो? आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैं जंकू का अंकल हूँ। वो मेरे सगे भाई का बेटा है।
क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जंकू को पकड़ने में। मैं तुम्हें उसके बारे में हर चीज बता सकता हूँ, सब कुछ। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम जंकू को खुद पकड़ सकते हैं। चलो मान लो कि आपने हमारी इस केस में मदद कर दी, तो क्या आने वाले केस में भी आप हमारी मदद करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, आगे तो हमें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, तो हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने आपसे मदद ली तो हमारा पुलिस ऑफिसर होने का मतलब ही क्या है? काफी ईमानदार हो, सोच लो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। मुझे टाइम नहीं चाहिए, आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर आरएम, हमें इनकी हेल्प लेनी चाहिए। अगर कोई हमारी हेल्प करना चाहता है तो हमें करने देना चाहिए। पर सर, हमें ऐसे किसी को भी अपने केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मिस्टर आरएम, आपका बॉस मैं हूँ या फिर आप? आई एम सॉरी सर, पर क्या मिस्टर आरएम, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आपको आगे से ऑफर आया है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। आप हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों की मदद लेकर मैं जंकू को उसका नाम और निशान सब मिटा दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? जान जंकू, कब तक बचोगे मुझसे? ओके, तो हम कल से शुरू करेंगे। मैं कल आऊंगा और आपके साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी मिस्टर आरएम। आरएम, वो आपसे कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हे जिमिन, कैसी हो? हेलो यून्वो, मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी, और तुम काफी अच्छी लग रही हो आज। ओ यून्वो, तुम भी ना, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ओ यून्वो, तुम भी ना। अच्छा चलो क्लास में चलते हैं। हाँ चलो क्लास में चलते हैं। एक सेकंड, तुम क्लास में जाओ, मुझे लाइब्रेरी में बुक रखनी है, मैं अभी आती हूँ। ओके जिमिन, जल्दी आना, मैं तुम्हारे क्लास में वेट करूंगा। फिर वहाँ से यून्वो क्लास में चला जाता है। यून्वो कितना अच्छा है, सबकी इज्जत करता है। चलो मुझे लाइब्रेरी जाना चाहिए। रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या है, कहाँ जा रही हो तुम? अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुमने यून्वो से बात क्यों की? हुँ? क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर याद नहीं है? मुझे याद है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तब तो तुम्हें ये भी याद होगा कि उस पेपर में लिखा था कि तुम्हें यून्वो से दूर रहना है। मुझे याद है, और हटो सामने से, मुझे क्लास में जाना है। क्लास में तो मुझे भी जाना है। हाँ तो क्लास का टाइम हो रहा है, जाओ ना। पर मैं क्लास बंक करूँगा। हाँ तो करो ना बंक, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको यहीं पर। अब क्या है तुम्हें? अरे तुम करो ना बंक, मुझे तो क्लास में जाने दो। अगर मैं क्लास बंक करूंगा तो तुम क्लास में क्या करोगी? तुम तो मेरी सर्वेंट हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी क्लास बंक करूं तुम्हारे साथ? पागल हो रहे हो? हटो सामने से, मुझे जाने दो मेरी क्लास में। रुको, क्या है, मुझे छोड़ दो ना, मुझे क्लास में जाना है। मैंने तुमसे क्या कहा कि जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी? अगर मैं बंक करूंगा तो तुम भी क्लास बंक करोगी। देखो कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था। मुंह बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा है। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? फिर शुगर जिमिन को वहाँ से ले जाता है। आखिर तुम सब क्या काम कर रहे हो, तुम्हें ये तक नहीं पता चला कि अंकल कहाँ इस समय? सर क्या आपने ठीक तो देखा था ना, वो सच में यहाँ थे? तो तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? वो इसी शहर में यहीं पर हैं, उन्हें ढूंढ के लाओ कहीं से भी। आह मेरा तो सर फटा जा रहा है। सर आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। ओके सर, जैसा आप कहो। फिर ली जंसुक वहाँ से चला जाता है। मैं आज भी वो सब सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपने डैड की हेल्प क्यों नहीं कर पाया, क्यों? मुझे सब याद है, उस दिन कैसे मेरे डैड को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया गया, मेरे डैड की कंपनी में आग लगा के उसे जला दिया, उसको राख कर दिया। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, पर मैं अपने डैड को नहीं बचा सका और वो हमें छोड़ के उस दिन चले गए। डैड, मैं आपका बदला जरूर लूंगा, उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मार दूंगा मैं। डैड, आई मिस यू, आई मिस यू डैड, आई मिस यू डैड, आई मिस यू। सर आपको क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना? सर प्लीज आप अपनी आंखें खोलिए, प्लीज सर उठिए, प्लीज सर आप अपनी आंखें खोलिए। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज सर उठ जाइए। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे? सर डॉक्टर को मैंने कॉल किया है, आपको क्या हो गया था? मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके साथ काम करना चाहिए या फिर नहीं? अंकल। हेलो अंकल, आप कैसे हो?
बेटा आप यहाँ कैसे आए? मैंने मामा से जिद की क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, इसीलिए। ये बहुत जिद कर रही थी कि इसे तुमसे मिलना है, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ इसे। मैंने इसलिए जिद की क्योंकि मम्मा मुझे आपसे नहीं मिलने दे रही थी। मम्मा कह रही थी कि बंदर अंकल से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बेटी है? ये सच में मेरी बेटी है ना? ये मेरी तरफ रहती है कि उसकी तरफ? बंदर अंकल, क्या मैं बंदर दिखता हूँ तुम्हें? मर गई। अरे तुम उसकी बात मत सुनो, वो तो बच्ची है ना, वो तो कुछ भी बोलती है। बेटा अंकल को बताओ कि तुम झूठ बोल रही हो। पर मैं तो सच बोल रही हूँ मम्मा, आज मुझे पता चल गया ये मेरी बेटी नहीं है। अंकल आई मिस यू, मैंने आपको बहुत मिस किया। अंकल आज आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आई एम सॉरी, आज मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, पर कोई बात नहीं, हम अभी तो एंजॉय कर सकते हैं ना। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो लेकर चलो। थैंक यू सो मच। गरम है, ये ले लो, जल्दी लो, दिखाओ तो जरा। बेकार है, इस बार ट्राई करो, देखो। बेकार है, अच्छी नहीं दिख रही। तुम्हें अच्छी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि तुम बेकार, तो तुम्हारी कॉफी भी बेकार। कितनी गंदी दिख रही है। शुभा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ दोबारा लाओ। इसमें मिल्क नहीं है और ये बहुत ज्यादा गर्म है। बस बहुत हो गया तुम लोगों का, क्या परेशान कर रखा है? ये लाओ वो लाओ, खुद जाके लेकर आ जाओ। अपना मुंह बंद करो। और सर्वेंट किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं ना कि वो मालिक का काम कर सके। बस बहुत हो गया, मैं ये काम नहीं कर रही, तुम्हें तो करना पड़ेगा। और मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए सुशी ले आओगी? क्या अब सुशी लेकर आऊँ? अब वो तुम्हें क्यों खानी है? क्योंकि मेरा मन कर रहा है इसीलिए। जाओ लेकर आओ। देखो तुम्हें जो खाना है तुम कॉलेज के कैंटीन से मंगवा लो ना, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे सुशी लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा मन कर रहा है खाने का। जाओ अब जल्दी, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। मेरे लिए भी लाना। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं तो कॉलेज के पास में एक अच्छी शॉप है, वहाँ से लेकर आना। टाइम बहुत कम है क्योंकि कॉलेज ओवर होने वाला है, तो जल्दी लेकर आना। तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे लिए लेकर आओ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्यों? ये लो तुम्हारी सुशी, एंजॉय। थैंक यू सो मच। जल्दी चलो, कॉलेज ओवर होने वाला है, अगर मैं लेट हो गई तो क्या होगा? नहीं, मुझे जल्दी चलना चाहिए, टाइम बहुत कम है, जल्दी चलो। मुझे लग गई। ओह नो, ये भी अभी होना था। आर यू ओके? या आई एम फाइन। लग गई, मैं चलता हूँ। ओह नो, क्या मुसीबत है, उस बदतमीज की वजह से मुझे चोट भी लग गई। ओह नो, मेरी सुशी, मेरी सुशी कहाँ है? ओह नो, ये सब नीचे गिर गई, अब मुझे यही देना पड़ेगा क्या? ओह नो, अगर मैं शॉप पे दोबारा जाऊंगी तो मुझे लेट होगा, पर क्या करूं? पर कुछ नहीं, उस गंदे आदमी के लिए गंदी सुशी ठीक है। फिर जमीन वहां से कॉलेज चली जाती है। आखिर मुझे हुआ क्या था? क्या मैं बेहोश हो गया था? जी सर, आप बेहोश हो गए थे, आपको पता नहीं कितना डर गया था, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आप बहुत वीक हो इसलिए आपको चक्कर आ गए थे। मुझे नहीं पता कि आप किस वजह से परेशान हो, पर प्लीज स्ट्रेस लेना बंद करो, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? और इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पेशेंट हो, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? ये लो दवाई, पी लो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम इसे पी लोगे तो तुम्हें बेटर फील होगा। इसको मेरे सामने से हटा लो क्योंकि मैं नहीं पीने वाला। ये दवाई है, तुम इस तरह से मना नहीं कर सकते, तुम्हारी हेल्थ के लिए है ये। सर प्लीज, दवाई है, अभी पियो इसे। क्या ये मुझे पीना पड़ेगा? हाँ पियो। ठीक है ओके, आप अपना ध्यान रखना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे पेशेंट को भी देखना है। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। रुको, क्या हुआ, क्या आपको कुछ चाहिए? आप मुझे बता सकते हो क्या आपको कुछ चाहिए? आप जो इस तरह से, मैं बहुत सैड हूँ, मेरे साथ रुक जाओ थोड़ी देर प्लीज, मैं किसी को गले लगा के खुल के रोना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? प्लीज रुक जाओ, डोंट वरी, मैं यही हूँ। तड़पाएंगे ऐसे आलम में पागल।
जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तब हमें अच्छा फील नहीं होता। आप आराम करो, आपको बेटर फील होगा। ओके, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? डॉक्टर चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। ओके, मैं चलती हूँ, आप आराम करो।